Hello friends, welcome to my channel. This is Vandana here. So I am here again with a new video. और आज मैं आप सबके लिए एक रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ. ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि ये स्पेशली फॉर किड्स हैं. आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे घर में तो एकदम हिट है और ये एक पराठे की रेसिपी है. एज यू नो फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो कि एक ब्रोकली पराठा है. सो ये मेरे घर पर तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है. शी जस्ट लव्स इट. और मैं भी चाहती थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अपने घर पे ये बनाएं, खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस. तो मैं आपके साथ ये रेसिपी आज शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ईजी एंड सिंपल है. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ वेरी ईजी पराठा रेसिपी. ब्रोकली के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इम्यूनिटी डेवलप होती है बेबीज़ की, देन उससे कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस होता है, एनीमिया रिड्यूस होता है, आईसाइट पावर इंक्रीज होती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. आप अपने आप खुद से सर्च कर सकते हैं या फिर आप जानते हैं ऑलरेडी. सो ब्रोकली हमें अपने बेबीज़ के डाइट में स्पेशली इंक्लूड करनी ही चाहिए. तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और इसमें मैंने फ्लैक्स सीड पाउडर भी यूज़ किया है जो कि एक सीड होता है, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके एंड उसका फिर पाउडर करके, तो मैं वो पाउडर भी पराठों में या फिर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ. तो वो भी बहुत अच्छा होता है फॉर द हेल्थ. ब्रोकली हम 10 मंथ्स के बाद बेबीज़ को दे सकते हैं. दैट इज़ सेफ फॉर बेबीज़ आफ्टर 10 मंथ्स. एंड इसमें आप सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है टोटली. मैं पहले तो सॉल्ट नहीं डालती थी अपने बेबी के फूड में. अब मैं थोड़ा सा अ पिंच ऑफ सॉल्ट आई ऐड समटाइम्स टू सम फूड्स, कभी कभी डालती हूँ. तो मैंने इस बार पराठे में भी उसके लिए सॉल्ट डाला था. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम एक बड़ा फ्लोरेट लेंगे ब्रोकली का लाइक दिस. एंड देन वी नीड अ ग्रेटर और एक प्लेट या फिर एक कटोरी जिसमें आप ग्रेट करके ब्रोकली रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. सो मैं यहाँ पे ब्रोकली को ग्रेट कर लूँगी अच्छे से, जो ऊपर वाला पार्ट है. मेक श्योर कि आप उसको धो के ड्राई करके ही ये प्रोसेस करें क्योंकि नहीं तो वो गीला रहेगा तो गीला गीला मिक्सचर बनेगा. तो वी नीड अ ड्राई मिक्सचर. तो इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे उसको अच्छे से. पूरा ब्रोकली का ऊपर वाला पार्ट ग्रेट हो जाएगा एंड उसके बाद हम उसमें सीजनिंग्स डालेंगे. तो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड पाउडर अ पिंच एंड सॉल्ट अ पिंच ऐड किया है जैसे कि आप देख सकते हैं. और उसको फिर अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए. सो दिस इज़ द मिक्सचर. अब इसको हम आटे के बॉल के अंदर स्टफ़ कर लेंगे. तो मैंने एक आटे का बॉल ले लिया है, उसको मैं कटोरी शेप में बना के उसके अंदर उसको मिक्सचर को स्टफ़ करने वाली हूँ. सो मेक अ आटे का बॉल लाइक दिस एंड उस पर हम लोग उसको स्टफ़ करेंगे. सो फिल द होल ऑफ द मिक्सचर इनसाइड दिस एंड क्लोज द कटोरी. तो उससे हम लोग पराठा बनाएंगे और ये जितना ड्राई होगा पराठा उतने अच्छे से और इतना ईजीली बन जाएगा. गीला होगा तो पराठा अच्छे से बन नहीं पाएगा, वो बंद नहीं हो पाएगा, आपका पराठा टूटेगा. तो मेक श्योर कि आप ब्रोकली अच्छे से धोने के बाद ड्राई करके ही बनाएं. सो अब मैंने स्टफ़ कर लिया है एंड अब हम इसको बेल लेंगे. तो मैं यहाँ पे बेलना स्टार्ट कर रही हूँ. तो आप जिस भी तरह के पराठे बनाते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, आप उस शेप में इसको बना सकते हैं. मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप का बनाऊंगी. सो एज यू कैन सी और दिस इज़ रेडी. तो अब हम इसको तवे पे सेक लेंगे लाइक सो. अच्छे से सेक लीजिए और जेनरस अमाउंट ऑफ घी यूज़ करके उसको अच्छे से सेक लीजिए क्योंकि किड्स के लिए, टॉडलर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है घी भी. तो उसको अच्छे से घी लगा के सेक लीजिए तवे पे लाइक दिस एंड द पराठा इज़ ऑलमोस्ट रेडी नाउ. सो दिस इज़ द पराठा. जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये रेडी है एज यू नो. तो दिस इज़ द रेडी पराठा.
So that's all for this video. I hope you enjoyed it. Please do try with your babies. This paratha is a hit in my house and I'm sure your babies will love it too. और जो बच्चे ब्रोकली नहीं खाते हैं उनको खिलाने का भी बहुत अच्छा तरीका है. They won't know at all. और एक बड़ा फ्लोरेट ब्रोकली वो खा लेते हैं in the process. It becomes a very healthy breakfast for the babies. और ये बहुत ज़्यादा filling भी होता है. Know in the comment section below आपको कैसी लगी है रेसिपी एंड डू ट्राई दिस एट होम एंड डू लेट मी नो इफ यू ट्राई दिस. So that's all for this video. I hope you enjoyed it. If you like it, please give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more recipes, more hauls, more reviews, more baby related videos and everything. So that's all. I'll see you in the next video. Till then, bye.